बहुत लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं, माँ वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं, तो हम आस्था तो सबका है, तो हम लोग एक झांकी के रूप में लोगों को आस्था को दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस बार मूर्ति जो है, मूर्ति का अब रूपरेखा बहुत बदला है, तो बंगाली मूर्ति के तर्ज पे थोड़ा थोड़ा प्रयास हम लोग किए हैं। तो 50 तो हमारे कार्यकर्ता इसी गुफा के इर्द गिर्द रहेंगे, उस बादल में घूमते हुए, उस बारिश में भींगते हुए, ऐसा एक अनुभव आप ले सकते हैं। इस यहाँ का कार्यक्रम सब चल रहा है, भीतर में गुफा उफा बना हुआ है, इधर माता का मंदिर ये सब बना हुआ है, उत्साह सब लोग का देखे, प्रशासन से लेके बच्चों से उत्साह काफी है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले के एक ऐसा पंडाल में है जहां पर जो है काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वही आपको बता दें कि कांटी नगर परिषद के अस्पताल गेट के पास जो है दुर्गा पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। वही आपको बता दें कि यहीं पे जो है वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है, जो झांकियां होती है, वह सभी चीज़ों को लेकर जो है पूरी तरह से पूजा समिति के लोग लगे हुए हैं, और क्या कुछ यहां पर कार्यक्रम होगा उसके लेकर जो है बातचीत करने के लिए पूजा समिति के सदस्य है। क्या कहेंगे, क्या कुछ तैयारी अभी तक हो चुका है, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? जय माता दी। हर साल की भांति कुछ कुछ नया हमारे पूजा पंडाल में हो रहा है। तो पिछली बार महिषासुर वध का आयोजन था, इस बार लोगों के दिखाने के लिए अमरनाथ गुफा और माता वैष्णो देवी की गुफा की झांकी है, गुफा के रूप में हम लोग सारे भक्तजनों को अंदर लाएंगे। यहाँ कुछ थीम है, बारिश होगा, बिजली कड़केगा, और इस गुफा से होते हुए हम लोग आगे चलेंगे, बाबा अमरनाथ का दर्शन करते हुए, उसके बाद माँ वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए फिर पूजा पंडाल में चलेंगे, माँ भगवती का दर्शन होगा, उसके बाद वहाँ से एग्जिट गेट है, बाहर निकलेंगे। यही हम लोग का इस बार का झांकी और लोगों को देखने के लिए एक बनाया गया है गुफा मॉडल है। अच्छा, कहाँ से सोच है लगातार जो है मुजफ्फरपुर जिला के कांटी जो है काफ़ी चर्चा रहता है दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर, और इस बार भी आप लोग चर्चा का विषय बना दिए हुए हैं? ये तो भक्तों की आस्था से है, सब लोगों को कुछ नया, माता का पूजा तो हर साल से होता ही है, अब कुछ नया तौर पर लोगों को दिखाना है। बहुत लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं, माँ वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं, तो हम आस्था तो सबका है, तो हम लोग एक झांकी के रूप में लोगों को आस्था को दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं, बस यही है। इसी तरह महिषासुर वध पिछला बार वध का कार्यक्रम दिखाने का प्रयास हुआ, फिर आगे चलकर फिर भी वैसे समिति के लोगों के दिमाग में कुछ नया विचार आएगा तो आगे और नया और भव्य और बेहतर दिखाने का हम लोग का प्रयास रहेगा। अच्छा, जो ये सब जो आप कारीगर के द्वारा बनाया जा रहा है, कहाँ के कारीगर हैं, यहीं के स्थानीय हैं या बाहर के? जैसे पिछले बार जो कारीगर थे वो मुजफ्फरपुर थे, कुछ बंगाल से आए थे, इस बार मूर्ति जो है, मूर्ति का अब रूपरेखा बहुत बदला है, तो बंगाली मूर्ति के तर्ज पे थोड़ा थोड़ा प्रयास हम लोग किए हैं, और कारीगर तो जहाँ से जैसा जो मिलता है, जैसा बनाना होता है, वो कारीगर बनाने लायक कहाँ के हैं वहाँ से हम लोग कारीगर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुजफ्फरपुर का हो या बाहर का हो, इस बार मुजफ्फरपुर के ही कारीगर हैं। लगभग कितना रुपया जो है लग गया ये सब पूरा सेटअप करने में, लगभग कितना रुपया लगा? बजट तो बहुत ज़्यादा है, अब बजट के बारे में बताएंगे तो बहुत विस्तार जाएगा, लेकिन बजट से कोई फर्क नहीं है, भक्तों की आस्था है तो उन्हीं की श्रद्धा, उन्हीं की आर्थिक सहयोग से सब हो रहा है, तो जो आर्थिक सहयोग आया है उस हिसाब से बना है। कब से जो है शुरुआत हो जाएगा यहाँ पर, कब से लोग यहाँ? आज शाम से ही इस गुफा का उद्घाटन हो जाएगा और शाम से श्रद्धालुओं को दर्शन लेने का, आज दर्शन का लुप्त उठा सकते हैं झांकी का। अच्छा, लोगों से, भक्तों से क्या अपील करना है? भक्तों से यही अपील है कि पूजा सब लोग करते हैं, शांति व्यवस्था बनाकर सहयोग करें, चाहे किसी भी पंडाल में जाए, वहाँ की व्यवस्था हो सकती है भीड़ ज़्यादा हो या व्यवस्थापक की कोई व्यस्तता हो, तो समय में बैठा के आप लोग उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढाल कर सहयोग करते हुए दर्शन कीजिए और मेला का आनंद उठाइए। मेला है 3 दिन का, बहुत आनंद आएगा। सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ आपके समिति के द्वारा? सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग के पास जो है 20 CCTV कैमराएँ हर जगह लगाई गई हैं, और कांटी में ये पूजा समिति के पास सबसे ज़्यादा अधिक नौजवान युवा कार्यकर्ता भाई बंधु है, तो 50 तो हमारे कार्यकर्ता इसी गुफा के इर्द गिर्द रहेंगे, इसके बाद रोड की व्यवस्था देखने के लिए अन्य और कार्यकर्ता हैं, और इस तरह हमारे पास कार्यकर्ता है, CCTV सिक्योरिटी कैमरा है, उसके बाद थाना के लोग रहेंगे,
अग्नि संबंध की हम लोग ने व्यवस्था की है। हम लोग के पास सिलेंडर 20 सिलेंडर है अग्नि संबंध का। अगर हो ना हो ऐसी दुर्घटना की स्थिति बनती है तो उस सब के नियंत्रण के लिए हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। और लाइटिंग का हर एक वायर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चेक किया है, कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, तार सब नया हो। पूजा पंडाल की सारी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है, तो सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने सारी व्यवस्थाओं को अपने से बहुत अच्छी तरह से देखा है। और आगे अगर कुछ उस तरह का घटना सामने आएगा तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्लानिंग भी अपना करके रखा है, तो कोई दिक्कत उसके लिए नहीं। कितना लोग एक बार में जो है यहाँ पर माँ का दर्शन कर सकेंगे? जैसे लोगों को तो रुकना नहीं है, पिछली बार झांकी था तो रोक रहे थे, तो हम लोगों ने 100 आदमी का एक रखा था कि 100 आदमी के एरिया था, 100 आदमी को घुसा के झांकी खत्म होने के बाद, महिषासुर वध खत्म होने के बाद निकालते थे। इस बार तो रोकना नहीं, इसमें जो है बरसात होगा जो ये सब पाई जी, इसमें बरसात का व्यवस्था बनाया गया है। यहाँ बारिश होगा, बिजली गड़केगा, तो वो एक आनंद आएगा। लाइट वगैरह बंद रहेगा, आप उस बादल में घूमते हुए, उस बारिश में भींगते हुए, ऐसा एक अनुभव आप ले सकते हैं। इस माता का जो वहाँ पर अनुभव होता है वो पूरा अनुभव देने का पूर्ण प्रयास किया गया है। आगे अब शाम से जब चालू होगा तब आप लोग आएंगे, सब लोग आएंगे तो देख के बता पाएंगे कि कितना वहाँ लग रहा है कि हम लोग वहाँ तक गए हैं, वो शाम में पता चलेगा। क्या समिति का नाम? श्री जय बजरंग दुर्गा पूजा समिति, कांटी हॉस्पिटल गेट। देखिए अभी जो है हमारे साथ जो है पूजा समिति के सदस्य थे, वही आपको बता दें कि जो गुफा अभी आपको सबसे पहले खबर जो है प्रकाश में दिखा रहा है, और इसी गुफा में जो है वैष्णो देवी माता का जो मंदिर जो बना हुआ है वहां पर जो दिखता है वह जो है पूरी तरह से मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अस्पताल गेट पे जो है देखने को मिलेगा, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार आपको पंडाल से, हर पंडाल से आपको दिखा रहे हैं। वही सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 100 से अधिक वॉलेंटियर जो है पूजा समिति के द्वारा चयनित किया गया हुआ है। और फिलहाल अभी आपको दिखाना चाहेंगे जहां पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी तरह से गुफा नुमा जो है बनाया गया हुआ है, जो जिसमें जो है काफ़ी आकर्षण केंद्र जो है काफ़ी बना हुआ है। एक तरफ से आप इन करिएगा और दूसरे तरफ से जो है आप बाहर निकलिएगा, जिसको लेकर जो है पूरी तरह से तैयारी जो है कर ली गई है। और तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी जो है हो चुकी है, और लगातार जो भक्त हैं पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहां पर देख सकते हैं पूजा समिति के सदस्य हैं और इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ तैयारी किया गया? तैयारी तो सब आपके, देखिए माता का पूजा तो हर साल यहां होता है, शायद आप भी जानते होंगे। और तैयारी हम लोग आज के कार्यक्रम में रखे हैं, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और जो पूजा पाठ, आज तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है अभी माता का, सब लोग का, सब देवी देवताओं का, और कार्यक्रम होगा उसको आपके माध्यम से हम हमेशा चाहेंगे कि प्रसारित हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके चैनल से हम लोग बहुत जो है ना प्रभावित हैं आपका, हम देखते हैं हर दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट आता रहता है। और यहाँ का कार्यक्रम सब चल रहा है, भीतर में गुफा उफा बना हुआ है, इधर माता का मंदिर ये सब बना हुआ है, पूजा हो रहा है और आज प्राण प्रतिष्ठा है, काफी अच्छा है। और सब तो सब आप लोग का सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ का व्यवस्था सब लोग का देखें, प्रशासन से लेके बच्चों से उत्साह काफ़ी है, इसलिए जो है अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगातार जो है लोग जो है आकर जो है पूजा पंडाल में आशीर्वाद भी ले रहे हैं और माता का जो है पट भी खुल गया है। अभी जो है अभी आपको दिखाएंगे, देखिए एक और गुफा है और गुफा से आकर जो है आपको दिखाएंगे जहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं गुफा का आनंद लेते हुए यहां पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और देख सकते हैं माँ का जो है आज पट खुल गया है, और पट खुलने के बाद जो भक्त है लगातार पहुँच रहे हैं, और वैष्णो देवी माता का जो मंदिर है वहाँ पर कैसे बारिश होता है और उसका जो है तर्ज पे जो है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अस्पताल गेट पर हुआ है, जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार जो है सेल्फी लेने वाले लोगों का जो है काफ़ी तथा जो है यहां पर लग रहा है। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाशन लाइव पर देखते रहिए, तब तक ले याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार।